नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे रेजर पेजेस के दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की। और इस वीडियो में आप लोगों को पता है कि डाटाबेस की ज़रूरत तो होती है, कोई भी वेब एप्लीकेशन बना लो आप लोग, चाहे कैसी भी एप्लीकेशन हो उसमें हम लोगों को डाटाबेस की ज़रूरत होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें डाटाबेस की ज़रूरत होती है। तो डाटाबेस को हम लोग फोकस पर लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक नया मॉडल जो है उसके लिए एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मॉडल्स या मॉडल लिख देते हैं। ठीक है, और इस मॉडल में हम लोग मॉडल फोल्डर में हम लोग एक नई क्लास जो है वो ऐड करते हैं। और उस क्लास का नाम एज यूजुअल आप लोगों को पता है कैटेगरी ही रखना है। ठीक है, जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग कैटेगरी टेबल ही ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक टेबल है, प्रॉप इंटीजर आईडी। और आप लोगों को पता है कि आईडी होगी तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। प्रॉप स्ट्रिंग नेम, ये दो प्रॉपर्टी जो है हम लोग इसमें बेसिकली रख लेते हैं। ठीक है, तो आईडी एंड नेम इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डाटा नोटेशंस का। डाटा नोटेशंस एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ रूल्स इन पर अप्लाई किए जाते हैं, ताकि कॉलम्स पर अप्लाई किए जाते हैं ताकि आप लोग डाटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकें। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग आईडी लेते हैं, ये आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली ये जो कैटेगरी टेबल है उसकी प्राइमरी की सेट हो जाएगी, या आप लोग कैटेगरी आईडी लेते हैं तो भी वो प्राइमरी की सेट हो जाएगी। तो आप लोगों को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये एक प्राइमरी की है। ठीक है, पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर मैंने कंट्रोल और डॉट की जो है कीबोर्ड से प्रेस की है, कंट्रोल और डॉट की, ताकि ये नेम स्पेस मेरे को मिल जाए। और नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा नोटेशन। आप लोग ये लिख भी सकते हैं, आप लोगों की यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा नोटेशन। तो अब आप लोगों को पता लग गया कि जो आई डी कॉलम है वो आप लोगों का प्राइमरी कॉलम है और प्राइमरी की है उसमें। दूसरा नोटेशंस ऑटोमेटिकली सेंस जो है विजुअल स्टूडियो 2022 दे रहा है रिक्वायर्ड फील्ड का, तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड भी लगा देता हूँ, तो नेम फील्ड जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग जो है डाटा नोटेशंस लगा सकते हैं किसी भी कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे डाटा नोटेशंस का पार्ट और हमारे मॉडल का पार्ट। अब हम लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, और कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों को पता है ऐप सेटिंग्स प्रोजेक्शन में बनती है और उसकी हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम लोग जो है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल जो है आप लोगों के कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए पर्पज़ में काम में आती है, एक प्रकार की जेसन फाइल है। और जेसन फाइल किस पर्पज़ के लिए, टेक्स्ट फाइल ही होती है जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को सेव रखने के लिए काम में आती है की वैल्यू पेयर्स के रूप में। तो हम लोगों के पास यहाँ पर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बना दी है, आप लोग देख सकते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसका मतलब है ये मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग्स को होल्ड कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहला जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका नाम जो है वो डिफॉल्ट कनेक्शन है, उसमें पहला पैरामीटर जो है वो है सर्वर। सर्वर का मतलब है लोकल डीबी, MS SQL लोकल डीबी, इसका मतलब सीधा सा निकलता है कि ये सर्वर का नेम है आप लोगों के SQL सर्वर का नेम। जो भी आप लोगों के SQL सर्वर का नेम हो वो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ये डेटाबेस का नेम है, जो भी आप लोग यहाँ पर रखें डेटाबेस इक्वल्स टू। हम लोग जो है रेजर पेजेस के साथ हैं तो मैं यहाँ पर रेजर DB लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू है, इसका मतलब सीधा सा निकलता है कि आप लोगों का जो सिक्योरिटी है वो विंडोज़ की सिक्योरिटी है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर निकलता है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, इसमें ट्रू, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो रिजल्ट सेट है वो मल्टीपल क्वेरीज कर सकता है SQL सर्वर के साथ। यहाँ पर आप लोग जो हैं इंसर्ट DML और DQL की क्वेरीज जो है वो फायर कर सकते हैं एक साथ। तो ये हो गया आप लोगों की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कि हमारे हम लोगों को जो कैटेगरी मॉडल हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोगों को फिजिकल रूप देना है, यानी कि टेबल बनानी है और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोगों को इस्तेमाल में लेना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम लोग एक DB कॉन्टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होगी। और उस पैकेज को डाउनलोड करने के लिए मैनेज न्यूगेट पैकेज पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास लिखना है आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, यहाँ पर देखिए आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना है microsoft.entityframeworkcore। ठीक है,
एक ही पैकेज है, और ये लोअर वर्जन 6.0 वाला ही आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि 6.0 में ही डॉट नेट फ्रेमवर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जो अपडेटेड वर्जन है उसे एक बार के लिए स्किप करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सीक्वल सर्वर, तो ये भी आप लोग जो है इंस्टॉल कर लीजिए 6.0 का ही, तो ये भी आप लोगों के पास अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो दो पैकेजेस आप लोगों ने यहाँ पर डाल लिए हैं। नेक्स्ट पैकेज में हम लोग बाद में देख लेंगे कि कौन सा पैकेज हम लोगों को चाहिए। उसके बाद में एक नया फोल्डर जो है आप लोग यहाँ पर बनाएं, और उस फोल्डर का जो नाम होगा वो होगा आप लोगों का डेटा। डेटा फोल्डर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऐड करें एक नई क्लास, और वो होगी आप लोगों की एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को आप लोगों को इनहेरिट करना है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हम लोग एज ए मिडलवेयर काम में ले रहे हैं, ताकि हमारी कनेक्शन सिंक जो हो, हमारा मॉडल जो है वो फिजिकल रूप ले सके डाटाबेस टेबल का। यहाँ पर मैंने जो है जो एरर थे वहाँ पर जाकर मैंने कंट्रोल डॉट की जो है वो प्रेस किया है, तो आप लोगों को एक सिंबल दे देगा, आप लोगों को नेमस्पेस का एरर जो है रिजोल्व करवा देगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो ये एरर जो है वो यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। नेक्स्ट में हम लोगों को टेबल जो है वो ऐड करनी है डाटाबेस टेबल के अंदर, तो जो मॉडल है उसे ही हम लोगों को ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखे हैं प्रॉप, और इंटीजर की जगह आप लोग लिखें डीबी सेट, और डीबी सेट के अंदर हम लोगों को लिखना है यहाँ पर कैटेगरी टेबल। कैटेगरी को रिजोल्व करने के लिए वही कंट्रोल और डॉट की, ठीक है, ताकि आप लोग नेम स्पेस से रिलेटेड जो भी एरर्स हों उसके लिए आप लोग कंट्रोल और डॉट की ही प्रेस करें, ताकि ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कैटेगरी जो है वो एक टेबल का जो नाम है वो बन चुका है, कैटेगरीज बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग जो है इस कनेक्शन स्ट्रिंग को प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर ऐड करें, ताकि हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो इसके साथ अटैच हो जाए, इस एप्लीकेशन डी बी कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच हो जाए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर हम लोगों को इस कनेक्शन स्ट्रिंग को और इस एप्लीकेशन डी बी कॉन्टेक्स्ट को आपस में कनेक्ट करवाना होगा, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट करके एक टेबल जो है वो बना सकें। तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक रजिस्टर करते हैं हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा बिल्डर डॉट सर्विसेस डॉट एड डी बी कॉन्टेक्स्ट, एड डी बी कॉन्टेक्स्ट, और डी बी कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को फाइल का नाम लिखना होगा एप्लीकेशन डी बी कॉन्टेक्स्ट। कंट्रोल और डॉट से रिजोल्व करें नेम स्पेस। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पास करना होगा ऑप्शंस, और ऑप्शन हो गया ऑप्शंस। इस ऑप्शंस में आप लोगों को पास करना होगा ऑप्शंस डॉट यूज सीक्वल सर्वर। यूज सीक्वल सर्वर, और सीक्वल सर्वर में आप लोगों को पास करना होगा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप लोगों को पास करना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, जो कि हम लोगों ने कहाँ पर सेव किया है, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग उठाते हैं, और सॉरी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके, और ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। ठीक है, तो यूज सीक्वल सर्वर जो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में आता है, तो हम लोगों ने ये रजिस्टर कर दिया है हमारे फाइल को एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को, देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है एक्चुअली में ये किसको कॉल करती है, ये हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉल करती है, और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने इसे कनेक्ट की है ये कहाँ पर ये पेस्ट करेगी, यहाँ पर आप लोगों को एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, ताकि ये इसकी सुपर क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शंस, ताकि ये बेस क्लास में ये चीजें डाल सकें।
के ऑप्शंस। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है सेटिंग्स डॉट जेएसएन सॉरी प्रोग्राम डॉट सीएस फाइल में, ये जो कॉल करेगी ये कनेक्शन स्ट्रिंग को इसमें डालेगी, तो ये कहाँ पर जाएगा, इसकी बेस क्लास के अंदर, यहाँ पर ठीक है। अभी थोड़ा एरर आ रहा है आप लोगों को प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, ये देखिए यहाँ पर वेयर है, तो यहाँ पर इसको बंद करना भूल गया, तो ये बंद हो गया ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके सो एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि सो फाइनली अब हमारा क्या है कि डाटाबेस जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है जो हमारे को क्या कराती है, कम्युनिकेट करवाती है हमारी जो मॉडल है उसको और फिजिकल डाटाबेस के साथ ठीक है। तो ये भी तैयार हो गई हमारी ऐप सेटिंग्स डॉट जेएसएन में। हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो कि कहाँ इनिशियलाइज होगी आप लोगों की, यहाँ से डायरेक्टली इसके पास जो है बेस क्लास के पास जो है हम लोगों ने ऑप्शन भेजा है, तो ये डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और हमारे पास एक टेबल बन जाएगी ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। लास्ट में हमारे पास है माइग्रेशन। तो हम लोग हमारे जो वर्चुअल डाटाबेस है हमारे पास उसको हम लोग फिजिकल रूप दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए टूल्स में जाइए, न्यूगेट पैकेज मैनेजर आएगा, पैकेज मैनेजर कंसोल, और पैकेज मैनेजर कंसोल से पहले हम लोगों को एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक एरर देगा हम लोगों को। देखिए दिखाई देता हूँ कौन सा एरर है, ऐड ऐड माइग्रेशन इनिशियल सॉरी माइग्रेशन की स्पेलिंग गलत है। अभी देखिए दोबारा से ये सेम एरर आप लोगों के पास है, क्यों, क्योंकि ये एक CMDLT के नाम से एक एरर देगा आप लोगों के पास। देखिए इसका इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें एक पैकेज नहीं है, टूल्स का पैकेज जो कि रिक्वायर्ड है अगर आप लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के कोई भी इसमें लगाते हैं, कोई भी कमांड लगाते हैं, तो आप लोगों को ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो राइट क्लिक करें, न्यूकेट पैकेज मैनेजर कंसोल में जाइए आप लोग, और यहाँ से आप लोग जो है ये पैकेज जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउज टैब पर क्लिक करके टूल्स लिखिए, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आप लोगों का, तभी ये जो है वो इंस्टॉल करने देगा आप लोगों को। तो आ गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, ये पैकेज जो है आप लोगों को इंस्टॉल करना है। तो 6.0 के ही हम लोग सारे पैकेज जो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यही पैकेज जो है हम लोगों को इसका भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है ठीक है। अब हम लोग जो है हमारे पैकेज मैनेजर कंसोल में चलते हैं, वहाँ पर ये कमांड जो है इंस्टॉल हो गया नहीं हुआ ये वो एक बार चेक कर लीजिए। देखिए टूल्स पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया है ठीक है। तो अब हम लोगों को ये बंद कर देते हैं, पैकेज मैनेजर कंसोल में चलते हैं, ऐड माइग्रेशन इनिशियल, ये दोबारा से कमांड यही लगाते हैं। अब कोई भी प्रकार की बिल्ड फेल्ड, इसका मतलब है बिल्ड फेल्ड हुआ तो बिल्ड करना पड़ेगा, पहले बिल्ड करते हैं तो कोई एरर्स हमारे पास आएगी। 0 सक्सीडेड 1 फेल्ड, वन फील्ड में क्या है फेल्ड एरर लिस्ट, ये देखिए एरर्स हैं कुछ, सेमी कॉलन वगैरह भूल गया, तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ओके 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 सेव कर देते हैं इसको, नो इश्यू। अब हम लोग दोबारा से माइग्रेशन लगाते हैं कि देखिए बिल्ड स्टार्टेड हो चुका है और आप लोगों का माइग्रेशन कमांड सक्सेस। उसके बाद में हम लोग इसको फिजिकल रूप देते हैं डाटाबेस को, अपडेट डाटाबेस कमांड यूज़ करके। तो जैसे ही हम लोग अपडेट डाटाबेस कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगी SQL सर्वर के अंदर और डाटाबेस भी बन जाएगा। तो
तो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे मॉडल यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये रेजर पेजेस के अंदर ये मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पेजेस बनाएंगे उसके लिए, उसके बाद में हम लोगों को राउटिंग भी सीखनी है कि कैसे राउटिंग जो है परफॉर्म होगी और कैसे काम करेगी, ठीक है। थ्रेड ऑपरेशन पूरा का पूरा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा मेरे को उसके थ्रू, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।